डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में हम एक बार अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर चुके हैं। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से फेल टू का प्रयोग, ये जो फेल टू लिखा है, फेल टू का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। फेल टू का प्रयोग किस प्रकार से, फेल टू का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में इसको कैसे यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। जब किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन जितना भी है, अगर इनका अपोजिट वर्ड नहीं मिलता, अगर इनका अपोजिट वर्ड नहीं मिल पाता, तो उस सेंटेंस में फेल टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। फेल टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, याद रखिएगा। फेल टू हम मेन वर्ब के रूप में लगाते हैं, एज अ मेन वर्ब लगाते हैं, और ये स्वयं निगेटिव होता है। फेल टू का मतलब ही होता है असफल होना, असफल होना इसका मतलब ही होता है, इसलिए मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। किस प्रकार से, अब ध्यान से सुनो। आई सादा ताजमहल, आई टैगोर रोड द गीतांजलि, शी हैज ईटन मैंगो। नीचे तो दिख रहा है, दे हैड, दे हैड बॉट अ कार। सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको यह बताया गया कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, गलत आंसर, एकदम गलत आंसर, किसी का सही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में, सपोज दैट किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब का अगर अपोजिट वर्ड नहीं मिलता है, तो हम उस सेंटेंस में टेंस के अनुसार एक निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये लगाएंगे और प्लस फेल टू लगा देंगे। तो एक निगेटिव वर्ड हमारा रहेगा, एक फेल टू रहेगा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और जब दो निगेटिव होंगे तो ऑलरेडी बता रहा हूं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे 100% प्लस हो जाएगा। मैटर समझ में आ गया होगा ना। चले अब बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। आप बताओ इसमें आई का अपोजिट आप नहीं बना सकते, सा का अपोजिट इसमें आप नहीं बना सकते, द ताजमहल का अपोजिट नहीं बना सकते। कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें नहीं है जिसका अपोजिट वर्ड बनाया जा सके, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें नहीं है। तो अपोजिट वर्ड जिसका आप बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, फेल टू का यूज करेंगे 100% फेल टू का यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए बताएं कौन सा टेंस है। टेंस कौन सा है,
टेंस है आईसा सी सा सीन पास्ट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट है। हाँ आप सही आंसर आने लगे, पास्ट इनफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी है और डिड नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आई डिड नॉट और रूल के अकॉर्डिंग मेन वर्ब डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। फेल, फेल के बाद क्या लगाएंगे, टू, आई डिड नॉट फेल टू और सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा सी और बचा के आपके सामने सीधा सीधा ताजमहल, सीधा ताजमहल। आई डिड नॉट फेल टू सीधा ताजमहल, मीनिंग चेक किया जाए दोनों की मीनिंग चेक करता हूं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को मॉडिफाई करता हूं, दोनों की मीनिंग चेक करता हूं। पहले मैंने ताजमहल देखा और ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ अर्थात मैं सफल हुआ अर्थात मैंने ताजमहल देखा, ये कंडीशन अर्थात मैंने ताजमहल देखा, ये हमारा सिस्टम सेंटेंस का है। इसमें डबल नेगेटिव का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक तो डिड नॉट लगाएंगे और दूसरा फेल टू का यूज कर देंगे, सेंटेंस इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ओके अंडरस्टैंड क्लियरली, बोलो आर एन टैगोर रोड द गीतांजलि, आर एन टैगोर ने गीतांजलि को लिखा, आपने लिख दिया तो भाई लिख दिया, कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती ना उसको तुरंत इरेज कर डाले रफ कर डाले, लिख दिया तो लिख दिया, बताएं कोशिश करें बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपके मस्तिष्क में। आर एन टैगोर रोड सेकेंड फॉर्म है ना तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत ईमानदारी से डिड लगाओ, डिड नॉट और यहां फेल आपको लगाना ही पड़ेगा, फेल टू और रोड का फर्स्ट फॉर्म अब आपको लिखना पड़ेगा राइट। कुछ लोग यहां रोड का रोटे लिख देते हैं ना, जब डिड नॉट आपने अलग से निकाल दिया तो रोड क्यों लिखेंगे भाई, फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा ना फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे यहां पे, ऐसी पोजीशन में डिड नॉट हैव वो फेल टू राइट द गीतांजलि, ये सिस्टम आपका डेवलप हो गया। ये कहता है शी हैज ईटन मैंगो, शी हैज ईटन मैंगो, उसने आम खा लिया, भाई खा लिया तो खा लिया, कोई अपोजिट वर्ड थोड़ी निकाल के तुरंत बाहर फेंक देगा, बोलो कोई ऐसा अपोजिट वर्ड है जो बाहर निकाल के तुरंत आउट कर दे, नो इस प्रकार से इसका इसमें कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जिसको अपोजिट बना सके। ओके ओके नाइस नाइस नाइस, कोशिश करिए शी हैज नॉट ईटन ईटन मैंगो, ट्राई टू डू योर बेस्ट, कोशिश करिए शी हैज ईटन मैंगो को हम आंसर, एक तो दिख रहा है गलत दिख रहा है, एक तो आंसर आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है राइट। कोशिश करिए बताने का प्रयास करिए, ट्राई टू डू योर बेस्ट फॉर टेलिंग समथिंग, नो 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 आंसर गलत है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। ओके कोशिश करिए बताने का प्रयास करिए, जस्ट योर आंसर इज बीइंग वेटेड, नो 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 किसी का सही नहीं है, मैं जानता था ये कोई कर नहीं पाएगा बहुत मुश्किल है, नो 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 आकाश यू आर रॉन्ग, प्रजापति हिमांशु यादव आल्सो रॉन्ग, नो बडी इज करेक्ट इन फेवर ऑफ गिविंग द पर्टिकुलर सेंटेंस राइट। आपने प्रयास अच्छा किया है, You had made your effort well, आपने अच्छा प्रयास किया है, but प्रयास थोड़ा सा पीछे रह गया, जरा सा पीछे रह गया, क्या करेंगे, चलिए होता रहता है, मैं अब समझाना चाहता हूं। नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर को छोड़ दिए, आर एन टैगोर का छोड़िए, आर एन टैगोर की तो कोई बात ही नहीं, वो सेंटेंस तो आउट हो चुका है,
आर एन टैगोर के बाद का जो सेंटेंस हमारा है, शी हैज ईटन मैंगो, इसको कोई नहीं कर पा रहा है. नो 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 नो, एवरीबॉडी इज रॉन्ग, एवरीबॉडी. ओके, द टाइम इज ओवर. अब मैं आप आंसर देना चाहूंगा इसका कि सही आंसर है क्या. सही आंसर ध्यान से सुनिए, बहुत उतावले थे भाई आकाश प्रजापति. शुरू करिए, इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है बच्चों. इंट्रोडक्शन जो बताना पड़ता है, तब इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज दिमाग में बैठती है. तुरंत कोई ऐसा इसमें जादू नहीं कि बस डायरेक्ट आपको हम बताएं छड़ी लगा करके और काम क्लियर हो जाए. अब मैं आंसर देना चाहता हूं, इसका सही आंसर होगा. आंसर अभी तक किसी का सही नहीं आया, आंसर किसी का सही नहीं आया, चाहे वो मन में हो, चाहे मस्तिष्क में, चाहे हृदय में हो. आप लोगों ने टेंस का ध्यान नहीं दिया है, टेंस भी बदलना पड़ेगा. इसमें लिखेंगे शी हैज नॉट, शी हैज नॉट लगा दिया. अब फेल टू का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे. हवा में बात कर रहे हो, फेल्ड, फेल्ड लगाना पड़ेगा, एफ ए आई एल ई डी. शी हैज नॉट फेल्ड, फेल्ड के बाद क्या लगाओगे, टू ईट मैंगो. टू ईट तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, कुछ लोग ईटन लगा देते हैं. ईटन क्यों लगा रहे भाई, टू ईट मैंगो लगाइए. दैट्स ऑल. इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा डेवलप हो रहा है कि आप इसमें फेल का प्रयोग जो करोगे, ये फेल का प्रयोग एज अ मेन वर्ब करना पड़ेगा, और जब एज अ मेन वर्ब करना पड़ेगा तो सेंटेंस में फेल को थर्ड फॉर्म के रूप में रखोगे भाई, थर्ड फॉर्म के रूप में रखोगे. ओके, दैट्स ऑल. नीचे का सेंटेंस देखिए, दे हैड बॉट अ कार, उन्होंने कार खरीदा. आप सेंटेंस को बताइए जरा कैसे बनेगा, कोशिश करिए, कोशिश करिए. दे हैड बॉट अ कार, इसको हमें नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाने का प्रयास, हाँ वेरी गुड वेरी गुड पुष्पेंद्र सिंह. सीधे बनेगा दे हैड नॉट फेल्ड, दे हैड नॉट फेल्ड, एफ ए आई एल ई डी. दे हैड नॉट फेल्ड टू बाई अ कार, वो कार खरीदने में असफल नहीं हुए. कार खरीदने में वो असफल नहीं हुए. दे हैड नॉट फेल्ड टू बाई अ कार. इट मीन्स टू से सेंटेंसेस में हमारे जो भी सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोग ये ध्यान देना है आप लोगों को कि जो फेल टू का प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, तो फेल टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है. अगर आप मेन वर्ब के रूप में किसी को यूज करते हो तो निश्चित रूप से क्या होता है कि उसको टेंस के अकॉर्डिंग स्थान मिलना चाहिए. टेंस के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू प्रोवाइड द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. आप उस वर्ब के रूप को तो चेंज करोगे भाई कि नहीं चेंज करोगे, बस ऐसे हवा हवा ही हो जाएगा. जब तक आप उसके फॉर्म को नहीं चेंज करेंगे, सेंटेंस इधर आपने हैज या है या हैड या विल हैव शैल हैव लगा दिया, और इतना लगाने के बाद आपने आगे की वर्ब को थर्ड फॉर्म में नहीं लगाया, कितनी गलत बात. आगे की थर्ड फॉर्म तो भी आपको लगाना है ना, बोलो. सो दैट इज ओवर एंड नेक्स्ट सिस्टम विल बी प्रोवाइड, रिमेनिंग पार्ट्स विल बी प्रोवाइड फॉर यू इन नेक्स्ट.